इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फिर लॉकडाउन, फिर मस्जिदें बंद। आज बेलगाम शहर की सरगर्मियां इसी लॉकडाउन और इबादत गाहों को बंद करने को लेकर रही। कोरोना के मद्देनजर आज से ही बेलगाम में बाजार बंद करने का ऐलान, मस्जिदों को भी बंद किया। महज 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रही कि आखिर इस मामले में आवाम क्या सोचती है। आज अचानक बाजार को बंद करने की जबरन कोशिश पुलिस महकमा की जानिब से की गई, जिससे आवाम में नाराजगी देखी गई। आवाम का कहना है कि अब चुनाव खत्म हुए तो कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं क्या पीछे, लिहाजा छोटे मोटे कारोबारियों पर अब भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। वैसे भी सबसे पहले इबादत गाहों को ही निशाना बनाया जाता है, लिहाजा पिछले हफ्ते भर से आवाम इत्मीनान के साथ तरावी अदा करती दिखाई दे रही थी। पर कर्नाटक रियासत की येडियुरप्पा हुकूमत ने इबादत गाहों को भी पिछले साल की तरह बंद करने का हुक्म दिया। लिहाजा आज अंजुमन बेलगाम में शहर बेलगाम के उलमाए कराम की मौजूदगी में हुकूमत के गाइडलाइन पर अमल करने का फैसला लिया गया। बेंगलोर में भी तरावी के मद्देनजर नमाजों की छूट को लेकर साबिक वजीर जमीर अहमद और दीगर जिम्मेदारान ने वजीर आला की मुलाकात फरमाई, पर फैसले को रद्द नहीं किया गया। मतलब फैसले पर हुकूमत अपने कायम रही। बेलगाम अंजुमन सदर जनाब आसिफ राजु सेठ ने सभी से हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करने की गुजारिश फरमाई। जनाब अब्दुल गफूर घीवाले ने गाइडलाइन को पढ़कर सुनाया। इसके बाद तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों को एसीपी कट्टीमनी के दफ्तर में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर हिदायत दी गई। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों से जिम्मेदार अहबाब शरीक रहे, जिसमें एसीपी कट्टीमनी ने कहा कि अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर कोरोना आया हुआ है। अब तो हवा के जरिए से ही इंसान को मुतासिर कर सकता है। लिहाजा हुकूमत कर्नाटक ने मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके लिए आप सभी का ताउन जरूरी है। इस बात पर सभी जमात वालों ने एक आवाज में हुकूमत के हिदायत पर अमल करने की बात कही। मुसलमानों के इस कदर कोरोना और मुल्क को लेकर बेदारी पर पुलिस मोहकमा भी काफी खुश नजर आ रहा था और सभी का शुक्रिया अदा किया। अंजुमन की जानिब से 5 अपराधों को शनाख्ती कार्ड फराहम करने की भी बात कही गई। पुलिस मोहकमा की जानिब से रात के कर्फ्यू की भी बात कही गई और शनिचर इतवार मुकम्मल बंद की बात भी कही गई थी। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस की जानिब से बाजार को बंद करने की खबर आई। किर्लोस्कर रोड, खड़े बाजार, मारुति गली, समाधि गली में पुलिस जबरन दुकानों को बंद करते देखा गया। आखिर अचानक इस तरह लॉकडाउन का फैसला लेने से आवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खड़े बाजार, दरबार गली, किर्लोस्कर रोड पर ताजरों ने पुलिस से सवाल पूछा और कहा कि बड़ी मुश्किल से रमजान के मद्देनजर सामान को कर्जा लेकर भरा गया, लिहाजा अगर इस तरह अचानक बंद करने से हमारा गुजारा कैसे होगा। कई ताजिरों ने अगर लॉकडाउन करना चाहते हो तो हमें अभी पैसा दे दो, हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, ऐसा सवाल भी किया। लिहाजा आज अचानक दुकानों को जबरन बंद करने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। काफी देर तक ताजिरों में दुकान बंद को लेकर तशवीश का माहौल देखा गया। शहर बेलगाम के ताजिरों में इस बंद को लेकर नाराजगी देखी गई। सड़क पर सब्जी ठेले, फ्रूट बेचने वालों के चेहरे पर एक बार फिर मायूसी नजर आ रही थी। गरीब, कुली, मजदूर फिर से आने वाली मुसीबतों को महसूस करते देखा जा रहा था। आखिर अचानक हुकूमत ने यह फैसला किस बुनियाद पर लिया, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा था। कोरोना को लेकर और क्या क्या देखना पड़ेगा, इसी बात भी हवा में कही जा रही थी। बाजारों में भीड़ ना हो इसके लिए एहतियात बरतना जरूरी है, पर जबरन बाजार को बंद करना कहां तक ठीक है। क्या इस तरह लॉकडाउन का फैसला लेने से पहले गरीब, मजदूर, कुली, फ्रूट, सब्जी, सड़क के किनारे 100-200 हर रोज कमाने वालों के बारे में आखिर हुकूमत ने क्या फैसला लिया। वैसे दुकानों को जबरन बंद करने की कोशिश पुलिस की जानिब से जारी रही। बेंगलोर और दीगर शहरों में भी यही मामला रहे। कई ताजिरों ने इस ऐलान को नजरअंदाज भी करते देखा गया और इनका यह रद्दअमल सही भी है। कोरोना मरीज बढ़ रहे इसलिए पूरा बाजार बंद करना कहां तक सही है, क्या अचानक फैसला कुछ भी लोगे तो आवाम सर तस्लीम खम करेगी क्या। लिहाजा आवाम में इस फैसले को लेकर काफी गुस्सा और नाराजगी देखी गई। इस तरह मनमानी फैसले लेने से तशवीश का माहौल तो रहा ही, पर अचानक पुलिस की जबरदस्ती से दुकानों को बंद करना उनके लिए और भी मुश्किल हुआ, जो दूसरे गांव से बेलगाम आए थे और बाजार के लिए वो कुछ खरीदना चाहते थे। इन्हें अचानक बंद होते दुकानों से परेशान होना पड़ा। आखिर तमाम ताजिरों ने डीसी दफ्तर के सामने एहतजाज कर अपना मुतालबा पेश किया गया। दरबार गली, खड़े बाजार के ताजिरों ने कसीर तादाद में इसमें शिरकत फरमाई। आइए इस पर एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह जैसे आप सब जानते हैं कि रियासत कर्नाटक ने एक सर्कुलर जारी किया है, जहाँ के शाम के 9 बजे से
रात के 6 बजे तक पूरे रियासत में कर्फ्यू रहेगा और जुमा के शाम 9 बजे से पीर की रात सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही साथ कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ ने एक सर्कुलर पास किया है, तमाम मस्जिद में सिर्फ उलेमा इमाम साहब मौजूद, टोटल 4 से 5 लोग नमाज अदा करेंगे। जिला बेलगाम के जाने से इत्तलाए-आम, अब तमाम हजरात को इस बात की इत्तला दी जाती है कि रियासत कर्नाटक में कोरोना वायरस बीमारी को फैलते है और दिन बदन इस बीमारी से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ते देखकर बरोज मंगल मोरखा 20 अप्रैल 2021 को हुकूमत कर्नाटक की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि हमारे पूरे रियासत भर में बरोज बुध मोरखा 21 अप्रैल 2021 से 4 मई 2021 तक रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू और जुमा की रात 9 बजे से पीर की सुबह के 6 बजे तक विकेट कर्फ्यू दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ ಗದೆ ಅಂದೆ ನಾನು, ನಾನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬದುಕಬೇಕು, ಆನಂತರ ಎಲ್ಲನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಅತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು आज अचानक सडनली पुलिस आके खड़े बाजार किर्लोस्कर रोड गणपति गली मारुति गली बंद कराने लगे और जाकर पुलिसों को पूछने के बाद में पुलिस हम बोल रहे हैं कि हमारे को बेंगलोर से ऑर्डर आया है लॉकडाउन हुआ करके बोल के, और उनको पूछने में उनको अभी हमारे को ऑर्डर दिखाओ करके बोले बाद में उन्होंने डीसी को जाकर पूछो, डीसी साहब को मिलो, हमारे क्या ऑर्डर है हमारे को बंद करने का, आकर को बोल को बोलने में हमें बंद नहीं करते हुए दुकानें डीसी साहब पास आई, डीसी साहब को हमारा जो है मेमोरेंडम दिए, हमें ओवरऑल उनको समझाएं कि हमें लाखों रुपए का माल दुकान में डाले सो हैं और हमें बंद करते नहीं करके बोल को बोले सो हैं, और उन्होंने भी बोले सो हैं कि तुम्हें जो है डिसिप्लिन डिस्टेंस मेंटेनेंस करो और अपना जो टाइमिंग दिए वो हिसाब से तुम्हें दुकान चालू करके बोल के हमारे बोले सो हैं, और एक राइटिंग में मेमोरेंडम मांगे सो है, वो मेमोरेंडम जो है हमें ऊपर तक पहुंचाते हैं, वहाँ से क्या गाइडलाइंस आते हैं वो हिसाब से काम करेंगे करके बोल को हमारा डीसी साहब भी बोले सो हैं, और हमारे जो है छोटे मोटे जो भी व्यापारी हैं लाखों रुपए कर्जा काट को फाइनेंशियली नेशनल बैंक से सोसाइटी से चीटी फंड उठा को वगैरह जो लोन ले को माल भरे सो हैं एक रमज़ान के भरोसे पर, और आज रमज़ान के अंदर वो भी बंद कर रहे हैं बोले तो क्या बात है, ये गवर्नमेंट कुछ तो भी हमारे साथ साजिश करने लगा है, इनके इलेक्शन में जो है लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं आता, इनके मिनिस्टर की रैली में कोई कोरोना नहीं आता इनका, सिर्फ आता तो क्या है रमज़ान में आता है, मस्जिद में कोरोना आता है इनका, क्या साजिश कर रहे हैं इन्हों, बीजेपी गवर्नमेंट क्या करने लगी है एक बार बोलो हमारे को, कर्जा एक तो कर्जा लेकर मरने लगे उसमें तुम्हें कोरोना को डरा को मरने लगे सो, कोरोना हुआ तो हमारे को होता क्या नहीं कि सब हमारे को धंधा करने को हमारे को दो, क्यों बोले तो हमारे पीछे जो है जूरू बाल बच्चे वाले हैं, नरेंद्र मोदी साहब को जूरू बच्चे नहीं है, योगी साहब को मोदी बच्चे नहीं है, ना उनको जुरू ना बच्चे ना आगे ना पीछे, ऐसी उनकी परिस्थितियाँ है, और हमें हमारे बच्चों को हमारे जुरू बात बच्चों को क्या पालना, हमें मरने का वक्त ऐसा है, हमें कोरोना से नहीं हमें जो भूखे पैसे मरने का वक्त ऐसा है, अगर पब्लिक का अवाम का लोगों का इतना सोचने का है तो हर अकाउंट में 1-1 लाख रुपये डालो, इन्हों हर अकाउंट में 1-1 लाख रुपये डालो, हमें महीना 2 महीने घर में बंद करके बैठना ही, 15 लाख रुपये जीतू करके बोल को बोले वो भी दे नहीं, सब झूठी सरकार है, सब झूठी सरकार है, जुमला सरकार है, ये सिर्फ बात बनाने की सरकार है, इसके अस्तर येडियुरप्पा से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे को दुकान चालू करने को दो। ये महामारी बीमारी की वजह से जो है मार्केट जो पहले जो गाइडलाइंस थे वो चेंज हो गए हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है जो लोग किराए से दुकान में रह रहे हैं उनका किराया माफ़ कर दें, जो भाड़ जो मालिक है जो ओनर है दुकान के वो किराया माफ़ करे अपने भाड़ोत्री से,
और जितने लोग जो इसे मैं एक अभी बात सामने सुनने को मिल रही है कि पिछले साल का भी भाड़ा और किराया अभी तक हमारे लोगों ने नहीं दिया, तो जो ओनर्स है वो किराए को माफ़ नहीं करते। जैसा हर दिन नया नया सेकुलर आता है वैसा हमारे लोग नहीं मानते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हमारी गुजारिश है, और जैसा कि लोन भी हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर लोन भी है, तो लोन भी जो है सरकार माफ़ करे। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि ये महीना जो है गरीब लोगों को जो है 6,000 रुपये अकाउंट में डाले, तब जाकर ये काम होगा, सरकार का नाम होगा। क्योंकि कोरोना जो है सिर्फ इलेक्शन में नहीं था, बाकी के दिनों में नहीं था, और कोरोना जैसा ही इलेक्शन ख़त्म हो गया कोरोना आया। कोरोना ऐसा लगता है कि मुसलमान हो गया है, सिर्फ मुसलमान हो गया अभी कोरोना। तो हमारी गुजारिश है कि किराए भाड़े जो है भाड़ोत्रियों से माफ़ करवाए, और सरकार से गुजारिश है।